हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने भाग, डिवीजन और गुणा, मल्टीप्लिकेशन की पहेलियों को हल करने के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम इससे संबंधित और भी मजेदार पहेलियों को देखेंगे। आज चंपापुर के राजा ने सबसे बुद्धिमान गांव वाले को ढूंढने की घोषणा की है। उन्होंने इस तरह की एक पहेली बनाई है। जो भी इस पहेली को सुलझा पाएगा, उसे चंपापुर का सबसे बुद्धिमान गांव वाला घोषित किया जाएगा और इनाम में उसे 500 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। सभी गांव वालों ने बहुत कोशिश की, लेकिन केवल बड़बोले चाचा ही इस पहेली का हल ढूंढ पाए। बच्चों, क्या आप जानना चाहते हैं कि चाचा ने इस पहेली का उत्तर कैसे ढूंढा? आइए देखें। जब राजा ने चाचा को उनका इनाम देने के लिए बुलाया, तब उन्होंने चाचा ने इस पहेली का उत्तर कैसे ढूंढा ये सभी गांव वालों को बताने को कहा। मैंने पहले ये देखा कि मैं इस पहेली को हल करना कहां से शुरू करूं। यहां हर जगह गणित के चिन्ह बने हैं और उसके अगल बगल में खाली जगहें हैं। केवल एक ही ऐसी जगह है जहां गुणा के दोनों तरफ की संख्याएं लिखी हैं। इसलिए पहले मैंने इस तरह से 736 गुणा 15 का उत्तर 11040 ढूंढ कर इस रिक्त स्थान में लिख लिया। फिर मैंने देखा कि इस रिक्त स्थान को भरते ही मुझे अगली ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जिसे 12 से गुणा करने पर उत्तर 11040 मिले। और जैसा हम जानते हैं, हम किसी भी गुणा को भाग के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए मैंने इस रिक्त स्थान को भरने के लिए 11040 को 12 से इस तरह से भाग कर लिए और फिर भाग के उत्तर 920 को इस रिक्त स्थान में लिख लिया। अब यह बहुत आसान है। मुझे केवल ऐसी संख्या ढूंढनी थी जिसे 40 से गुणा करने पर उत्तर 920 हो। एक बार फिर इस गुणा को भाग के रूप में लिखकर इस तरह से 920 भाग 40 के उत्तर 23 को इस रिक्त स्थान में लिख लिया और इसी के साथ मैंने इस पहेली को सुलझा लिया। चाचा ने सभी गांव वालों को समझाया। चाचा की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर सभी गांव वाले जोर जोर से तालियां बजाने लगे। राजा ने चाचा को चंपापुर का सबसे बुद्धिमान गांव वाला घोषित किया और उन्हें इनाम में 500 सोने के सिक्के दे दिए। बच्चों, इस वीडियो में हमने भाग, डिवीजन और गुणा, मल्टीप्लिकेशन की और भी मजेदार पहेलियों को हल करना सीखा।